नमस्कार दर्शकों, लाखों की दवाइयां फेल हैं इस पौधे के आगे। यह पौधा आपने अपने घर के आसपास और नज़दीक ही देखा होगा। काफ़ी कम जगह में यह उग जाता है और यह पौधा बहुत ही काम की चीज़ है। इसे पत्थर चट्टा कहा जाता है, इसे कई नामों से भी जाना जाता है। यह काफ़ी फ़ायदेमंद होता है आपकी हेल्थ के लिए, साथ ही इसे लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप इसे अपने घर में लगाते हैं तो आपके घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है, आपके घर में सुख शांति भी आती है। पत्थर चट्टा एक ऐसा आयुर्वेदिक पौधा भी है जिसमें कई औषधिक गुण होते हैं। इसमें गुण होते हैं कि यह आपके वजन से लेकर कई बीमारियों को भी ख़त्म कर देता है। उदाहरण के तौर पर यह एयर प्लांट, कैथेड्रल बेल्स लाइफ प्लांट है जिसे मैजिक लाइफ आदि से नामों से जाना जाता है। आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, खास तौर पर किडनी और मूत्र विकारों जैसी संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। अगर पथरी हो चुकी है, किडनी में पथरी हो गई है, तो आप इसका नियमित 10 दिन तक सेवन करें। सुबह खाली पेट 2 पत्ते खाएं तो आपकी पथरी धीरे धीरे गल करके निकल जाती है पथरी, और आपको कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ ही आपका मोटापा भी इससे कम हो जाता है, पेट की सफाई कर देता है यह पत्ता। इसमें फूल भी आते हैं, आप देख सकते हैं इस मौसम में फूल बहुत ही सुंदर इसके खिलते हैं। काफ़ी अच्छा प्लांट है यह, और यह प्लांट शोकेस के रूप में भी आप अपने घर में लगा सकते हैं, छोटे छोटे गमलों में रोपित कर सकते हैं। इस प्लांट को छांव में भी रखा जा सकता है और धूप में भी रखा जा सकता है। किडनी को हेल्दी बनाने के लिए भी इसका रामबाण उपाय किया जाता है। इसका उपाय खून की सफाई के लिए भी किया जाता है। अगर आपको पेशाब संबंधी कोई समस्या हो रही है, रक्त संबंधी कोई समस्या हो रही है, आपका खून गाढ़ा हो जाता है, तो आप इसके पत्ते नियमित तौर पर 1 महीने तक आप खाएंगे सुबह सुबह खाली पेट, तो आपको ये सब समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। आपको कोई इन्फेक्शन हो रहा है बार बार, तो आप 4-5 पत्ती को पीस करके, कहीं भी आपको कोई दांत खाज खुजली या कोई घाव हो जाता है, चोट वाली जगह पर भी इसका इस्तेमाल आप पीस करके लगा सकते हैं। कोई नुकसान नहीं होता, तुरंत ठंडक पहुंचती है, आराम मिलता है। आप शरीर पर हुए रैशेस पर भी, खुजली पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट पर भी कर सकते हैं। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आप इसका इस्तेमाल रेगुलर करें। 5-6 पत्ती आप पीस लें, उसका रस आपको पानी में मिलाकर रोज़ खाली पेट सुबह सुबह पीना है, बिना कुल्ला किए, बिना ब्रश किए। इस बात का ध्यान रखें कि बिना ब्रश किए आप यह उठते से ही यह नियम बना लें। आपका ब्लड प्रेशर संतुलित रहेगा और आपको जीवन में कभी भी बीपी की शिकायत नहीं रहेगी। आप इस उपाय को अवश्य करें। और इससे जुड़ी बहुत सी चीज़ें हैं, उपाय हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। आप अगर और उपाय जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छोटे छोटे उपाय अलग अलग वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे। वीडियो छोटे छोटे ही अच्छे लगते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाता है तो किसी पर्टिकुलर एक चीज़ पर हम ध्यान दे पाते हैं, दूसरी चीज़ नोट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए अगले वीडियो में इससे और भी जुड़ी हुई बातों को हम शेयर करेंगे आपसे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करेंगे तो और भी उपाय आपको देखने को मिलेंगे। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप हमारे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।